नमस्ते इंडिया, मैं हूं खुशबू कपूर और आज एक बार फिर से मैं बात करने वाली हूं सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। यहां पर मैं मीडिया के रोल की अहम भूमिका आपको बताना चाहूंगी क्योंकि मीडिया ने बिना किसी का इंतज़ार किए खबर चला दी कि हाँ भाई सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। मीडिया का क्या हक बनता है कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किए, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आप ये सब यूँ ही लिख दें या फिर यूँ ही न्यूज़ चला दें ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर। मेरा यहाँ पर मीडिया से सवाल है, मीडिया का काम होता है न्यूज़ जैसी है उसे वैसी दिखाया जाए, ना ही कि अपने आप इनपुट दे। मीडिया को अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में अपनी भूमिका निभानी ही थी तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तौर पर निभाते। हमें आज तक टिल डेट ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो दो दोस्त कौन थे जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन पार्टी में आखिरी दिन शामिल थे रात को, जिनके साथ सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। क्या मीडिया ने उनके नौकरों से सवाल पूछे? नहीं पूछे। मीडिया सुशांत सिंह राजपूत के फादर के घर तो पहुंच जाते हैं ये दिखाने के लिए कि वो कितने दुख में हैं। क्या भारत को नहीं पता है कि कभी किसी का बेटा जाता है, कभी किसी का इंतकाल हो जाता है तो उनके परिवार वाले दुख में ही होते हैं? वो खबर दिखाने की तो मीडिया हिमाकत कर सकता है, लेकिन क्या मीडिया ने हमें ये दिखाया कि उनके नौकर ने क्या बयान दिया? क्या मीडिया ने हमें ये दिखाया कि वो जो दो लोग जो उस रात पार्टी में थे उनका क्या कहना था? नहीं, मीडिया आपको ये सब नहीं दिखाएगा क्योंकि इस पर क्या होता है कि केस पूरा पलट जाता है। तो यहाँ पर मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। यही वो मीडिया है जो कि ब्लाइंड आइटम्स लिखता है, यही वो मीडिया है जो कि स्मियर कैंपेन्स चलाता है, जिसने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा। इनफैक्ट मी टू मूवमेंट में भी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मीडिया ने छापा था जो कि बिल्कुल सरासर गलत था, जो कि बाद में साबित हो चुका था। तो क्या इस पर मीडिया ने अपनी माफ़ी मांगी थी? क्या कोई माफ़ी का कोई न्यूज़ छापी थी? नहीं। न्यूज़ बनाने के लिए मीडिया ये तो लिख देता है कि सूत्रों के अनुसार हमें पता चला या हमारे सूत्रों ने हमें बताया। आखिर ये सूत्र होते कौन हैं? क्या नाम होता है इन सूत्रों का? क्या कभी मीडिया आपको ये बताता है? बिल्कुल नहीं बताता। मैं कहती हूँ ऐसी न्यूज़ को ही मत छापो ना जिसकी आपके पास कन्फर्मेशन ही नहीं है। क्यों आप सेलिब्रिटीज़ को बदनाम करते हो जब आप उनके बारे में अच्छी तरह से जान नहीं सकते? आप स्मियर कैंपेन्स चलाते हो। क्या स्मियर कैंपेन्स चलाने का हक आपको देता कौन है? और सुशांत सिंह राजपूत के बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब तक आई भी नहीं थी, तब तक आप लोगों ने ये साबित कर दिया सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। क्या प्रूफ है आपके पास कि सुसाइड किया? अगर हम उनकी डेड बॉडी की पिक्चर्स को देखते हैं, आज भी इंटरनेट पर वो अवेलेबल है, किस एंगल से लगता है कि सुसाइड किया? मैंने भी जर्नलिज्म की पढ़ाई की है और जब हम जर्नलिज्म पढ़ते थे तब हमें ये सिखाया जाता था कि आप न्यूज़ को कभी भी बढ़ा चढ़ा कर मत दिखाइए, अपना ओपिनियन मत दिखाइए। और दिन रात मीडिया हमें यही बताता रहा सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद कि वो डिप्रेशन में थे, फलां जने का ये कहना है कि वो डिप्रेशन में थे, महेश भट्ट ने ये कहा कि वो परवीन बॉबी की राह पर थे। महेश भट्ट ने तो बहुत लोगों के बारे में कहा है कि वो परवीन बॉबी की राह पर थे, कंगना के बारे में भी कहा था। तो क्या कंगना ने का हाल क्या परवीन बॉबी की तरह हुआ? आज कंगना इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन I have ever seen in Bollywood. So, कौन होते हैं ये लोग किसी के बारे में अपनी राय देने वाले, किसी के बारे में कुछ भी कहने वाले? और मीडिया कौन होता है उनकी राय मानने वाला और उनके ओपिनियंस को के ऊपर आप अपने भी ओपिनियन दर्ज करवाते हैं? ऐसा काम मीडिया आजकल कर रहा है और मैं बिल्कुल ऐसे मीडिया के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मीडिया का काम होता है जैसी खबर है वैसी दिखाई जाए, बिना उसमें अपने ओपिनियन दिखाए हुए। सच मायनों में बताऊं तो आज का मीडिया बिल्कुल बिक चुका है, पेड न्यूज़ का ज़माना आ गया है, पीआर कंपनीज आ चुकी हैं, जो आप छपवाना चाहते हैं वो छप जाता है, बस कुछ पैसे खिलाने पड़ते हैं, ऐसा तो मीडिया हो गया है। तो हम कैसे मान लें कि सुशांत सिंह राजपूत को इस मीडिया के होते हुए न्याय मिल जाएगा? क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का जो कि यू नो किसी को जस्टिस दिला सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आता जब निर्भया का केस हुआ तब उस निर्भया के मम्मी को इंसाफ माने में इतने साल लग गए और फिर भी एक जना जो कि नाबालिग था वो आज भी बाहर है, मुझे उस बात का आज भी अफसोस है। तो कैसे मान लूँ मैं कि हमारे भारत में सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुशांत को जस्टिस मिल जाएगा? मुझे जवाब चाहिए।